अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। पाकिस्तान अम्बेसी मस्कत, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जी अम्बेसी की नई बिल्डिंग बनने वाली है, अम्बेसी की नई बिल्डिंग बनने वाली है, फलां जगह पर बन रही है, फलां जगह पर बन गई है, इतनी बन गई इतनी रहेगी। अभी जुलाई 2020 चल रहा है, अभी जो नए एम्बेसडर हैं अहसन वगान, वो माशाल्लाह मीडिया में काफ़ी रहते हैं फ़ोटो सेशन के लिए। इससे पहले जो अली के नाम से थे वो काफ़ी एक्टिव थे, उम्मीद है हम तो यही दुआ करेंगे ये उनसे भी ज़्यादा एक्टिव हूँ, लेकिन फ़िलहाल कोई खातर खा कोई प्रोग्रेस नहीं थी। लेकिन इन्होंने भी क्रेडिट ले लिया है कि जी एम्बेसी जो है वो 2021 में एम्बेसी का काम शुरू हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। सो वो तमाम र्यूमर्स, वो तमाम अफवाहें जो पहले चल रही थी कि जी एम्बेसी फलां जगह पर बन रही है, जहाँ पर कतर एम्बेसी और देगर एम्बेसी हैं बीच साइड पे वजारत के पीछे, तो अभी जो है वो डिस्क्लोज हुआ जी कि एम्बेसी की जगह वगैरह जो है वो ले ली गई है, जो अप्रूवल्स हैं वो मिल गई हैं और जल्द ही जो है काम जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। होपफुली होपफुली जो है वो 2021 में काम जो है शुरू हो जाएगा। अब 2021 आने में जो है 5 महीने बाकी हैं, उसके बाद 2021 पूरा साल रहता है, 2021 में काम शुरू होगा। हो सकता है वो 30 दिसंबर को जाके हो, क्योंकि ये हम सालों साल से सुनते आ रहे हैं, मैं तो बचपन से सुनता आ रहा हूँ, आप सब लोगों ने भी ज़रूर सुना होगा कई कई सालों से कि एम्बेसी की बिल्डिंग बनेगी बनेगी। तो सिर्फ यही कहूँगा। और दूसरा एक बात, पाकिस्तान की एम्बेसी जो है अभी ओमान में 1994 से एक्टिव है, 1994 से जो है 1994 से जो है वो पाकिस्तान की एम्बेसी जो है वो चल रही है। और देख लें 1994 से हम लोगों ने क्या तरक्की की, ऑनेस्टली बताइएगा, खुली तनकीद है। आप कभी भी एम्बेसी के करीब से गुजरेंगे भी तो यू विल फील लाइक इन पाकिस्तान, आपको दूर से ही जो है ना अंदाज़ा हो जाएगा कि हम जो है ना लगता है पाकिस्तान में आ गए। और जो ही आपने एक पाँव अंदर रखा एम्बेसी के, खलास, एक तो आपको ये भी बताता चलूं कि जिस जिस मुल्क की जहाँ जहाँ पर भी एम्बेसी है, अगर आप पाकिस्तान की एम्बेसी जाते हैं तो वहाँ पर आपके ऊपर पाकिस्तानी कानून लागू होंगे। अगर आप किसी और मुल्क के हैं तो जिस जिस मुल्क की यानी एम्बेसी है वहाँ पर उन्हीं मुल्क के कानून जो है लागू होते हैं। उसके अलावा ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं के लागू होते हैं, बाकी ज़ाहिर है वो जिस मुल्क के अंदर हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके मुताबिक भी उनसे डील किया जाता है। तो हमारे चूंकि जो कानून हमारे ऊपर लागू होते हैं वो उधर हमें नज़र आ रहे होते हैं, हम बदलना नहीं चाहते, जहाँ भी जाएँ हम चाहते हैं कि हमारे वही कानून रहें वही हालात रहें। सो अच्छा एक्सपीरियंस करने की उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो है अगर एम्बेसी का हमारा चक्कर लगे तो अच्छा एक्सपीरियंस हो, जो वगैरह मेरे साथ तो अभी तक नहीं हुआ। ऑलवेज वी गॉट मैनी सरप्राइज, हमेशा जो है हमें वो चौंका देने वाले जो है वो वाकयात रूनुमा होते रहे, और बहुत सारे लोग शेयर भी करते हैं हिम्मत करके कि भाई ये जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। सो सिंपली यही कहूँगा, आप सब लोगों को भी पता है क्या हालात है, क्या सिचुएशन है, दुआ करें अब इस दफ़ा अगर ऐलान हो गया तो बन जाए, चले आने वाले कुछ सालों में बन जाए लेकिन बन जाए, ताकि थोड़ी पहचान जो है उसका लेवल चेंज हो। तो इंशाल्लाह खैर दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे और जल्द से जल्द अल्लाह ताला हमारी एम्बेसी जो है ओमान में वो बनने की, उसकी बुनियाद रखने की, बल्कि उसको कंप्लीट देखने की तौफीक अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और एम्बेसी के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि इस दफ़ा बन जाए। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।